अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मोहम्मद सिराज की शानदार कामयाबी पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो हम आपको तफसील से बताएंगे। एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज ने अपने वनडे कैरियर में अब तक की बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार अदा किया है। इस मैच में सिराज ने अपने 7 ओवर्स के स्पेल में 21 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। मोहम्मद सिराज की शानदार कारकर्दगी पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। मोहम्मद सिराज को 5,000 अमरीकी डॉलर मिले। ये एजाज हासिल करने के बाद सिराज ने कहा कि मैं काफी अरसे से अच्छी बॉलिंग कर रहा हूं, लेकिन विकेटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। मुझे इस मैच में कामयाबी मिली, मैं ये इनामी रकम ग्राउंड्समैन को देना चाहता हूँ। और नाजरीन, ये बात हम सब जानते हैं कि श्रीलंका के कितने नाजुक हालात हैं, वहाँ पर किस तरह से गरीबी चल रही है। 5,000 डॉलर जो श्रीलंका के 16 लाख रुपए बनते हैं, जो ग्राउंड स्टॉप वहां पर काम करता है उनको ये रकम गिफ्ट कर दी है। दिस कैश प्राइस गोज टू ग्राउंड्समैन, जो वो लोग बहुत ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये मेरे लिए जीत के बाद जो प्राइज मिला था वो श्रीलंका के लोगों को डोनेट करके उन्होंने श्रीलंका के लोगों का भी दिल जीत लिया है। But all in all, a comfortable final to win. They win by 10 wickets and they then... और नाजरीन, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी हैदराबादी जबान में मोहम्मद सिराज की कामयाबी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इन हैदराबादी लिंगु पाशा पूरा श्रीलंका को खोल दिया मोहम्मद सिराज। तो नाजरीन, सिराज अहमद की ये कामयाबी पूरे देश के लिए खुशी का मौका है और इनके वालदेन के लिए भी खुशी का मौका है।